क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन व्यक्तियों के बारे में कितना जानते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के रूप में भारत की नियति को आकार दिया। आज हम ईयर 1947 से लेकर 2024 तक की यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व का एक विविध समूह रहा है। उनकी यूनिक विजन और लीडरशिप स्टाइल ने ग्लोबल क्राइसिस के दौरान कंट्रीज पॉलिसीज को आकार दिया है और भारत के सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो पर अपनी नोटेबल अचीवमेंट से लेकर कॉन्ट्रीब्यूशनल डिसीजन तक, अपने इंस्पिरेशनल लीडरशिप से लेकर अपने व्यक्तिगत विचित्रताओं तक अमित छाप छोड़ी है। यह सब उजागर करने के लिए आपको प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यकाल की मुख्य झलकियाँ, उनके द्वारा सामना की गई कठिनाइयाँ, उनके द्वारा मनाई गई जीत और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत की जानकारी जरूरी है। इसलिए आज अपने वीडियो के थ्रू हम आपको इन सारी बातों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम उन उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत में सर्वोच्च पद संभाला है। हमारी यात्रा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है जिन्होंने ईयर 1947 से 1964 तक सेवा की। नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद भारत के आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने भारत को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति में विश्वास करते थे और इस प्रकार उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनका कार्यकाल चुनौतियों से रहित रहा नहीं था। नेहरू की आर्थिक नीतियों के अत्यधिक समाजवादी होने के कारण आलोचना की गई थी जिसमें औद्योगिक विकास धीमा हो गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध से निपटने को भी एक महत्वपूर्ण झटके के रूप में देखा गया। इन आलोचनाओं के बावजूद भारत के लिए नेहरू के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी दृष्टि और नीतियों ने वैश्विक मंच पर देश की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास किए। उनके कार्यकाल ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनके 1964 से 1984 की अवधि में चार प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा पर अपना अनूठा प्रभाव डाला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। वे एक महान व्यक्ति थे। 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। माना जाता है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान शास्त्री जी ने 1965 के विजयी भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का मनोबल बढ़ाया और जय जवान जय किसान का नारा दिया जो आज भी दिलों में गूंजता है। उनके बाद गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार पीएम बने लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का ही था। उनके बाद हमारे पास आई आयरन लेडी इंदिरा गांधी। उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक लगातार दो बार सेवा की। इंदिरा गांधी अपने मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के लिए जानी जाती थी। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश मुक्ति का सफल समापन हुआ। युद्ध विवादास्पद आपातकालीन अवधि हरित क्रांति की शुरुआत जिसने इंदिरा गांधी के पहले कार्यकाल के बाद भारत को खाद्य अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया। उनके बाद मोरारजी देसाई ने 1977 से 79 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देसाई ने लोकतांत्रिक बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानदंड और नागरिक स्वतंत्रताएं जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया गया था, हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार के प्रयास और भारत चीन द्वारा हेडरसन ब्रुक्स बगैर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के निर्णय से चिन्हित किया गया था। उनके बाद उस युग के अंतिम प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जिन्होंने 1979 से 1980 तक एक संक्षिप्त कार्यकाल दिया। उनके छोटे से कार्यकाल के बावजूद चौधरी चरण सिंह ने भारत के कृषक समुदाय के हित में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनकी नीतियों का उद्देश्य किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना था। उस युग में राजनीतिक बदलावों के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो में परिवर्तन हुआ। जीत और चुनौती दोनों का समय था लेकिन इन नेताओं ने तेजी से विकसित हो रहे भारत की जटिलताओं को पार किया। प्रत्येक नेता ने अपनी अनूठी दृष्टि और दृष्टिकोण के साथ देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी जिसने उस भारत को आकार दिया जिसे आज हम 1984 से जानते हैं। आज के भारत ने विभिन्न प्रकार के नेताओं को देश का संचालन करते हुए देखा है। प्रत्येक नेता ने अपनी विशिष्ट दृष्टि और नेतृत्व शैली के साथ भारत की नीति को अपने अनूठे तरीके से आकार दिया है जिसकी शुरुआत भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई। वे उत्साह और आधुनिकता की एक नई लहर लेकर आए। उनके कार्यकाल तकनीकी प्रगति और भारत की आईटी क्रांति की नींव रखने वाले कंप्यूटरों के द्वारा चिन्हित किया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल में बोफोर्स स्कैंडल और शानो मामले की गलत हैंडलिंग के कारण
आलोचना का भी सामना करना पड़ा। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। उनके बाद बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक पीएम रहे, जो अपनी नैतिक ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। मंडल आयोग के रिपोर्ट के को लागू करना एक मील का पत्थर था सामाजिक न्याय की लड़ाई में। फिर भी उनका शासनकाल अल्पकालीन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उथल पुथल वाला था। उनके बाद 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर का कार्यकाल रहा। हालांकि चंद्रशेखर का कार्यकाल संक्षिप्त था, उन्हें आर्थिक संकट से निपटने और बनाए रखने में उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार पी नरसिम्हा राव ने देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। हालांकि उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, जो विभिन्न राजनीतिक घोटालों से भरा रहा। उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ऑर्डिनरी स्किल और पॉलिटिकल स्किल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसी पहल से भारत की बुनियादी ढांचों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनके नेतृत्व में सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके बाद मई 2004 में मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, जो ग्लोबल फाइनेंशियल के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया। 2008 के संकट ने देश की स्थिर आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित किया। हालांकि उनके कार्यकाल की नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए आलोचना की गई, वे 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। उसके बाद 2014 में नए भारत के अपने दृष्टिकोण के साथ मोदी जी ने स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं और पहल शुरू की। हालांकि उनके कार्यकाल को विवादास्पद निर्णयों से चिन्हित किया गया और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का आरोप है। वर्तमान प्रधानमंत्री अपनी अनूठी दृष्टि और नेतृत्व शैली के साथ भारत को विकास और प्रगति के एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने अपने अनूठे तरीके से भारत की यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके कार्यकाल दोनों उपलब्धियों को चिन्हित करता है। चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र की गतिशील और विकासशील प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जैसा कि हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पिछले 78 वर्षों में नेतृत्व और प्रभाव की विरासत रखता है। इन नेताओं ने शांति और संघर्ष, समृद्धि और कठिनाई के दौर से गुजरकर काम किया है। उनके उत्तर औपनिवेशिक युग में जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिकीकरण की खोज से लेकर 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत पर जोर देने तक भारत के प्रक्षेप पत्र को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इस ऐतिहासिक गुणों, नीतिगत बदलाव और पहलों द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने एक अद्वितीय छाप छोड़ी है देश के इतिहास पर। छाप फिर भी उनके चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना किया है, जो हमें याद दिलाती है कि नेतृत्व एक जटिल और जीत और परीक्षणों के माध्यम से मांग वाली भूमिका है। इन प्रधानमंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक विकसित भारत की कहानी बुनी है। उन्होंने देश की यात्रा का मार्गदर्शन किया है। तारीखों और घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि नेतृत्व की एक समृद्ध टैपेस्ट्री है, जिसने उस राष्ट्र को आकार दिया है जिसे आज हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि भारत का प्रधानमंत्री का पद एक सिर्फ और सिर्फ एक चुनौती भरा ही पद है, जिसमें आपको एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है। खैर, पद के बारे में हम अपने आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 1947 से 2024 तक के प्रधानमंत्री और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ये सब बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसे फीडबैक जो आपको मुझे देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम करती हूँ। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो फ्रेंड, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।